तो कैसे हो गाइस। तो आज हम अपने कुछ फेवरेट सुपरहीरोज को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू मार्वल फैक्ट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन ने एवेंजर्स की टीम को साथ दिया था, उसका मेंबर भी है, साथ साथ फैंटास्टिक फोर का भी मेंबर रह चुका है कॉमिक्स में। साथ स्टार्क इंडस्ट्रीज की था, उसकी भी एक पार्कर इंडस्ट्रीज थी और वो भी बहुत ज़्यादा अमीर था। आपको क्या लगता है कि स्पाइडरमैन का सबसे पहला विलन कौन हो सकता है? स्पाइडरमैन का सबसे पहला विलन था चैमेलियन, जिसके पास किसी का भी मास्क बनाने की एबिलिटी थी। और साथ साथ स्पाइडर की तरह कॉमिक्स में 6 आर्म स्पाइडरमैन है, जो मतलब कि उसके भी स्पाइडर के था 6 आर्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं वैनम के बारे में। तो वैनम मतलब क्रिएट हुआ था कॉमिक्स में एक फैन के द्वारा, जब उसने स्पाइडरमैन की एक कॉस्ट्यूम को ब्लैक कलर कर दिया, तब उसमें मतलब कि कुछ क्रिएटर उसने थोड़ा डिज़ाइन दिया और उसे एक वैनम का रूप दे दिया और एक नया विलन बना दिया स्पाइडरमैन का। साथ साथ वैनम को पहले एक वीमेन की तरह यानी एक लड़की की तरह सपोज किया गया था। साथ साथ कि वैनम को ना स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, लेकिन इसलिए उसने स्पाइडरमैन के साथ पहले बॉन्डिंग की थी, लेकिन बाद में स्पाइडरमैन ने उसे छोड़ दिया, इसलिए उसे नफरत करने लगी। अब बात करते हैं हम ब्लैक विडो के बारे में। तो ब्लैक विडो के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। असल ब्लैक विडो की एज ना बिल्कुल कैप्टन अमेरिका जैसी है। मतलब कि कॉमिक्स में होता क्या है कि ब्लैक विडो वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा ले चुकी है। यहाँ मूवी में कुछ और दिख रहा है, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा ही था। साथ साथ सभी को बता दूं कि मतलब कि हाँ, ब्लैक विडो से पहले भी एक और ब्लैक विडो थी जिसने एवेंजर्स की टीम किया था, वरना बहुत सारी ब्लैक विडो है वैसे भी। उसने एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन किया था नताशा से पहले। और अब बात करते हैं हम लोग कैप्टन मार्वल के बारे में। कैप्टन मार्वल की बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कैप्टन मार्वल को डेली बिगल से फायर किया था, कर दिया गया था। वो डेली बिगल में भी काम किया करती थी। साथ साथ कैप्टन मार्वल को हम लोग लेडी मार्वल के नाम से भी बोल सकते हैं। और साथ साथ कैप्टन मार्वल के अलावा भी बहुत सारे मार्वल मतलब कि सुपर हीरोज है, जैसे कि मतलब मार्वल फिल्म दिखेगा। सबसे पहला मतलब कैप्टन मार्वल को नहीं बल्कि शज़ाम था, जिसे डीसी ने खरीद लिया, इसके कारण वो अब शज़ाम बन गया। अब अदर फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आखिर मतलब कि जो डेथस्ट्रॉक है वो डेडपूल से इंस्पायर्ड है, मतलब कि समझ लीजिए उसका कॉपी ही है। और कॉमिक्स में मतलब टोनी स्टार्क हॉवर्ड स्टार्क का बेटा नहीं था, बल्कि उनका अडॉप्टेड बेटा था। तो गाइस ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मार्वल मूवीज़ को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।